हेलो आईटीएन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एकेडमी वेस। गाइस, आप आईटीएन बनने वाले हो, डोंट वरी। और बात कर लेंगे वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी यहां पर आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहता है और उनको उनके रैंक वाइज कौन सा आईआईटी मिलेगा, मतलब आपको टॉप आईआईटीज में से कौन सी ब्रांच आपके रैंक अनुसार मिल सकती है। जैसे कि आपका रैंक 1000 से लेकर 5000 तक है, तो आपको टॉप आईआईटी में टॉप कौन सी ब्रांच ऐसी है जो आप ले सकते हो और आपको राउंड फर्स्ट में यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ आईआईटी एंड कोर्स फॉर रैंक विद इन 5000 to 10000। तो देखिए 5000 से लेकर 10000 जिन स्टूडेंट की रैंक आएगी उनको कौन कौन से आईआईटी मिल सकते हैं और उन आईआईटी में कौन कौन से ऐसे कोर्स है, कौन कौन से ऐसे ब्रांच है, ये आपको सब कुछ पता चलने वाला है। उसके बाद देखिए लगभग 10000 से लेकर 30000 तक आपकी रैंक इस बार बन जाती है तो भी आपको टॉप का आईआईटी मिल सकता है, बट ब्रांच में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट कौन कौन से ऐसे कोर्सेस है, ब्रांच है, वो आपको मिल जाएंगे लगभग 30000 रैंक तक। और हाँ, उसके बाद 30000 प्लस भी रैंक अगर आपकी आती है तो आपको आईआईटी मिलने वाला है। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच करना है ताकि आपके पूरे जो कंफ्यूजन है यहाँ पर क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रॉपरली आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी होगी पूरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, लगभग 1000 प्लस लाइक इस वीडियो को आने चाहिए, वो टारगेट है, तो उस टारगेट को आप जरूर पूरा करिएगा। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए जिनकी रैंक ज्यादा हो फिर भी उन्हें आईआईटी मिल सकता है, तो उनके तरफ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो फर्स्ट आईआईटी आ जाता है आईआईटी बीएचयू, जो कि वाराणसी में। आप देखिए इसमें जो कोर्स है लगभग सीएससी आपको मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मिल सकता है 5000 रैंक तक। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट को ब्रांचेस पता नहीं होती कि उनको यह भी ब्रांचेस मिल सकता है उनके रैंक अनुसार। तो आप देखिए उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, लगभग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी आपको लगभग 5 ईयर्स का जो कोर्स है ड्यूअल डिग्री वह भी आपको मिल जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आईआईटी है आईआईटी आपका धनबाद, तो आईएसएम धनबाद में देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल सकता है 5000 रैंक तक। उसके बाद मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग यानी कि 5 ईयर्स का जो इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स है वह भी आप ले सकते हो, इसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा 5000 रैंक तक। उसके बाद देखिए जो कि आईआईटी भुवनेश्वर, आप देखिए यहां पर भी सीएससी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको सीएससी 5 ईयर 4 ईयर दोनों कोर्स यहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको यह भी मिल सकता है। उसके बाद आईआईटी आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, यस आईआईटी बॉम्बे में भी आपको 5000 रैंक तक भी सीट मिल सकता है। देखिए बीएससी इन मैथमेटिक्स 4 ईयर का बैचलर्स ऑफ साइंस कोर्स है, यह भी आपको मिल सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, एनर्जी इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, ये देखिए इतने सारे आईआईटी बॉम्बे में कोर्स है जो आप लगभग 5000 रैंक तक भी ले सकते हो। उसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, केमिकल इंजीनियरिंग में आपको मिल सकता है केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर 5 ईयर ड्यूअल डिग्री कोर्स भी आप ले सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंजीनियरिंग भी आपको मिल सकता है। तो देखिए इतने सारे कोर्स है जो कि आप आईआईटी दिल्ली से ले सकते हो 5000 रैंक तक। साथ में देखिए मटेरियल्स प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो इतने सारे कोर्स है, आप इसे एक यानी कि नोट डाउन भी करके रख सकते हो या फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये सभी आपको मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है। उसके बाद देखिए यानी कि आईआईटी गांधीनगर में भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मिल सकता है, सीएसई मिल सकता है, यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में भी आप यानी कि एडमिशन ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आपको मिल सकता है। साथ में आप देखिए यहां पर 4 ईयर 5 ईयर यहां पर कोर्स आप यानी कि एडमिशन ले सकते हो। देखिए ड्यूअल डिग्री कोर्स है 5 ईयर का, उसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा इजीली। उसके बाद देखिए आईआईटी गोवा जो कि यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आप इसमें ले सकते हो, यानी कि 5000 रैंक तक आपको यह मिलने वाला है। उसके बाद देखिए यहां पर गुवाहाटी यानी कि यह भी टॉप का आईआईटी है, ओल्ड आईआईटी, आप देखिए यहाँ पर भी आपको यानी कि ECE यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर का बैचलर कोर्स है, यह भी आप एडमिशन इसमें भी आप ले सकते हो। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि EEE, उसके बाद देखिए ME यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, जो कि बहुत सारे यानी कि स्टूडेंट का ड्रीम कॉलेज होता है, क्योंकि उनको अगर IIT यानी कि बॉम्बे दिल्ली नहीं मिलता है तो मोस्टली हैदराबाद को प्रेफर करते हैं। तो देखिए आपको CE मिल जाएगा, उसके बाद EE मिल जाएगा, उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पर 4 ईयर बैचलर्स टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है यह भी आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग साइंस के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप एडमिशन ले सकते हो। अब देखिए आईआईटी इंदौर में आपको क्या कुछ मिलेगा, तो देखिए दो ही ब्रांच है लगभग आपको 5000 रैंक तक मिलने वाले, एक तो है ई आपका और उसके बाद है यानी कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, यह भी 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है तो आप इसे भी ले सकते हो, यह भी आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से। उसके बाद देखिए आईआईटी जम्मू, इसमें आपको मोस्टली सीएससी मिल जाएगा 5000 रैंक तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर आईआईटी जोधपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये दो ब्रांचेस है, मोस्टली आप इसमें एडमिशन ले सकते हो 5000 रैंक तक। उसके बाद देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि एरोस्पेस की तरफ जाना चाहते हो, तो आईआईटी कानपुर एक बेस्ट यानी कि आईआईटी है, तो यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, उसके बाद केमिकल है, उसके बाद इकोनॉमिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो यह सभी जो बैचलर्स कोर्स है इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आता है आईआईटी खड़गपुर, तो आप देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग यहाँ पर भी एक बेस्ट कोर्स है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग 4 ईयर 5 ईयर का ड्यूअल डिग्री, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, मोस्टली स्टूडेंट इसे ही प्रेफर करते हो। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर ज्यादा उनकी रैंक है लगभग 5000 से लेकर 7000 तक, उनको भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग अलॉट हो जाता है, मिल जाता है। उसके बाद देखिए केमिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लगभग ड्यूल डिग्री कोर्स है, तो इसे भी आप यानी कि देख सकते हो, यह भी अच्छा कोर्स है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इसे भी लगभग आप ड्यूल डिग्री पकड़ के चले, 5 ईयर का कोर्स है। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग लगभग 4 ईयर का बैचलर्स कोर्स है, तो आप इसे भी देख सकते हो। उसके बाद देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है 5 ईयर का, वह भी ब्रांच बेस्ट है आप सभी के लिए। अब देखिए आई आई टी मद्रास बहुत सारे स्टूडेंट का आने के ड्रीम आई आई टी है, उसमें भी देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ जाता है, केमिकल आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाता है। उसके बाद देखिए यानी कि फिजिक्स 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है, तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हो, यह भी आपको लगभग 5000 रैंक तक मिलने वाला है। उसके बाद अदर आईआईटी देख सकते हो, आईआईटी मंडी है, आईआईटी पटना है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जो ले सकते हो। देखिए आईआईटी रुड़की का एक बार बता दूं, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है जो 5 ईयर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है। उसके बाद देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा 5000 रैंक तक। उसके बाद देखिए आईआईटी रोपर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड डाटा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो आप देखिए इतने सारे ब्रांच आपको लगभग रैंक वाइज मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो मोस्टली सभी जो है लगभग आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद देखिए तिरुपति का यहाँ पर सीएससी आपको मिल सकता है 5000 रैंक तक। तो देखिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि अगर आपकी रैंक 5000 से लेकर 10000 तक है, ठीक है, कौन कौन सा आईआईटी है टॉप मोस्ट और कौन कौन से ऐसे कोर्स है। साथ में सभी को वीडियो वॉच करना है और देख लेना है कौन कौन से ऐसी ब्रांच है जो कि आपको मिल सकता है। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट का रैंक 1 लाख 2 लाख भी गया होगा, उनके लिए भी मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, साथ में उनको भी टॉप मोस्ट आईआईटी में से कौन सा ब्रांच है वो भी बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आप सभी का रैंक 1 से लेकर 5000 या फिर 5000 से लेकर 10000 तक है, तो आपको इजीली कौन कौन से ऐसे आईआईटी टॉप और टॉप आईआईटी में से कौन से टॉप कोर्सेस है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है इजीली। और हाँ गाइस, आप सभी को मैं बीच में बताऊंगा, अगर आप सभी का 1 लाख रैंक है, 2 लाख है, तो भी आपको आईआईटी और एनआईटी मिल सकता है। सो आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर प्रीवियस वीडियो देखा नहीं, जो भी टॉप रैंकर्स है 1 से लेकर 1000 तक, 1000 से लेकर 5000 तक आपकी रैंक है, तो आपको देख लेना है। इसमें भी लगभग आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास, साथ में खड़गपुर और आईआईटी कानपुर, और आप सभी का आईआईटी यानी कि आईएसएम धनबाद, हैदराबाद, सभी आईआईटी इंक्लूडेड, और टॉप मोस्ट कोर्सेज भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आप देखिए साथ में यहाँ पर पूरा डाटा एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ का वीडियो भी आपको दे दूंगा, तो आपको पूरा वीडियो एंड तक वॉच करना। देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पर आईआईटी बीएचयू जो कि वाराणसी में स्थित है, तो इसमें आपको लगभग 10000 रैंक तक केमिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है, सिविल मिल सकता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स जो कि ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एडमिशन नहीं लेते, तो अगर आपको रिस्क लेना है और इसमें एडमिशन लेना है तो लगभग 5 ईयर आपका जाने वाला है। बट टॉप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली में आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है कम रैंक में, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, उसके बाद आईआईटी आईएसएम धनबाद जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपको मिल सकता है, उसके बाद आईआईटी भिलाई देखिए डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10000 रैंक तक भी आपको मिल सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बट देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चॉइस फॉर्म फिलिंग लिस्ट तैयार कर रहे हो या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो जोसा के और वहां पर देखते हो, तो आप देखिए पूरा सबसे पहले तो एक बार आईआईटीज देख लीजिए, एक पेज लीजिए, वहां पर आपको जो है सबसे पहले तो आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम आईआईटी देखिए, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद कानपुर है, उसके बाद इस टाइप आप बना लीजिए, और उसमें से टॉप मोस्ट जो आप सभी के यहाँ पर जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस लिखिए, और ब्रांचेस लिखने के बाद ये सभी डाटा कलेक्ट कीजिए और फिर जो है आपका फॉर्म फिलअप करिए। यानी कि थोड़ा आपको यानी कि टाइम लेना है, ऐसे नहीं कि किस टाइप भी यहाँ पर सिलेक्ट करके फॉर्म फिलअप कर दिया, थोड़ा टाइम लीजिए बट प्रॉपरली लिस्ट बना के ही करिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका आईआईटी भुवनेश्वर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल है जो कि लगभग 4 ईयर कोर्स है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में देखिए आपको केमिस्ट्री 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस का जो कोर्स है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, लगभग 10000 रैंक तक भी आपको मिलने के चांसेस है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि ओनली टॉप रैंकर जो 500 के अंदर आते हैं, 1000 रैंक तक आते हैं, उनको ही आईआईटी बॉम्बे मिलता है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो हिडन कोर्स है, आपको पता नहीं होंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप देखिए अगर इस कोर्स को अप्लाई करते हो और 10000 तक आपका रैंक है, तो इजीली आईआईटी बॉम्बे भी आपको मिल जाएगा, आपका ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेने का। उसके बाद देखिए आईआईटी जो कि धारवाड़ है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंपाउंडिंग है, उसके बाद आईआईटी गांधीनगर है, टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी गोवा है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे यहां पर गांधीनगर में केमिकल है, मैकेनिकल है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल आपको गोवा वाले आईआईटी में देखने को मिलेगा, 10000 रैंक तक इजीली एडमिशन हो जाता है। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी जो कि एनआरएफ रैंकिंग इसका भी अच्छा है, तो आप देखिए इसमें भी आपको बीएसबी यानी कि बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग मिल सकता है, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनर्जी इंजीनियरिंग है, उसके बाद देखिए आईआईटी हैदराबाद जो कि लगभग इसका भी एनआरएफ अच्छा है बट सेकंड जनरेशन आईआईटी है, तो देखिए बायो इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आप ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स ले सकते हो, यह भी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर आता है आईआईटी इंदौर, तो आईआईटी इंदौर में केमिकल मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल जाएगा, उसके बाद स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको लगभग यहाँ पर भी 4 ईयर का कोर्स देखने को मिलता है, वो भी अच्छा है। उसके बाद आईआईटी जम्मू में आपको इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आईआईटी जोधपुर मैकेनिकल आपको इजीली 10000 रैंक तक मिल जाएगा, उसके
बाद देखिए IIT कानपुर जिसका NRF यानी कि हमेशा जो टॉप 5 के अंडर आता है, तो आप देखिए इसमें भी आपको BSB यानी कि बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं IIT खड़गपुर, तो IIT खड़गपुर में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, बहुत सारे कोर्सेस है आपको पता होगा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है, हिडन कोर्सेज जो लगभग आपको 10,000, 20,000, 30,000 रैंक तक भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रीनशॉट भी आप निकाल लीजिए, साथ में मैं आपको स्पीड में बता देता हूँ। जैसे कि मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है वो भी आप ले सकते हो, माइनिंग है, उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग है, तो मोस्टली ड्यूल डिग्री प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 4 ईयर का कोर्स दिख रहा होगा, 5 ईयर का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आपको टॉप का IIT मिल सकता है ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, बहुत सारे हायर यानी कि जो आपकी रैंक है लगभग 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तो इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए IIT मद्रास, देखिए अगर आपको नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग में जाना है तो लगभग 10,000 रैंक तक भी आपको IIT मद्रास जिसका NRF रैंकिंग फर्स्ट है वो आपको मिल सकता है। उसके बाद देखिए IIT मंडी, ये दो कोर्सेस है, देन वन IIT आपका जो यहाँ पर पलक्कड़ है तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल और डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग आप ले सकते हो। उसके बाद देखिए IIT पटना, इसमें भी बहुत सारे कोर्स है, आप देखिए बीटेक जो कि पावर एंड कंट्रोल 5 ईयर का ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, तो इसमें भी आप देखिए सब कुछ आपको यहाँ पर कोर्स दिख रहे होंगे, एक स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए IIT रुड़की, तो IIT रुड़की भी अच्छा है, तो देखिए बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग ले सकते हो, जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग भी है, तो आप देखिए यह भी आपको लगभग मिल जाएगा और 10,000 रैंक तक आप लगभग साइंस यानी कि जो फिजिक्स का बैचलर्स है लगभग ड्यूल डिग्री प्रोग्राम वो भी एनरोल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए IIT आपका रोपर हो गया और तिरुपति हो गया, तो तिरुपति में तो इलेक्ट्रिकल आपको लगभग 10,000 तक मिल जाएगा। और उसके बाद बात करूं मैं रोपर की, तो आप देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स है और लगभग यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप ले सकते हो। अब देख लेते हैं लगभग आप सभी का रैंक 10,000 से ऊपर है, ठीक है, उनको कौन कौन से IIT है, कौन से टॉप मोस्ट IIT में टॉप मोस्ट यहाँ पर ब्रांचेस है आप ले सकते हो, आपको ईजिली मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 1,000 है, 1,000 से लेकर 5,000 है, 5,000 से लेकर 10,000 है, और अब हम देखने जा रहे हैं 10,000 से लेकर 30,000 रैंक है, 30,000 प्लस है, तो कौन कौन से टॉप मोस्ट IIT आपको मिल सकते हैं, तो ये सभी वीडियो आपको लगभग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक में दे दूंगा और साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इजीली देख सकते हो। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में मैं आपको बताऊंगा 30,000 प्लस रैंक पे भी आपको टॉप IIT बॉम्बे दिल्ली किस ब्रांच में आपको मिल सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बार कोर्स देख लेते, देखिए आर्किटेक्चर, उसके बाद यहाँ पर सेरेमिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसके बाद पर मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, सभी यहाँ पर IIT BHU वाराणसी में, देखिए माइनिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो, उसके बाद 4 ईयर 5 ईयर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है फार्मास्यूटिकल में, उसके बाद देखिए बायोकेमिकल है, बायो इंजीनियरिंग है, तो इस टाइप आप पूरे कोर्सेस लगभग आप सभी की रैंक अगर इससे ज्यादा है 10,000 प्लस है तो भी आपको मिल जाएगा। IIT ISM धनबाद देखिए, जैसे कि अप्लाइड जियोलॉजी है 5 ईयर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, अप्लाइड जो फिजिक्स है, उसके बाद देखिए ENV इंजीनियरिंग है, उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनिंग है, उसके बाद सिविल है, और उसके बाद आता है यहाँ पर IIT भिलाई, देखिए मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल है, उसके बाद आप देखिए इस टाइप लगभग आपको 4 ईयर इंजीनियरिंग कोर्सेज देखने को मिलते हैं। अब देखिए सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लगभग 4 ईयर 5 ईयर 5 ईयर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, उसके बाद मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, उसके बाद देखिए इस टाइप आपको बहुत सारे कोर्सेस IIT भुवनेश्वर में देखने को मिलते हैं। सिविल है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको ड्यूल डिग्री प्रोग्राम देखने को मिलता है, उसके बाद आप देखिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आपको IIT भुवनेश्वर में देखने को मिलेंगे। लगभग 10,000 प्लस अगर रैंक है आपकी, 30,000 तक भी रैंक है, तो आपको ईजिली यहाँ पर या जो कोर्सेस है इसमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो आप जब यहाँ पर जो पूरा जो यहाँ पर लिस्ट तैयार करेंगे उस टाइप आप यहाँ पर ड्रीम IIT लेके उसमें कौन कौन से ब्रांचेस आपके रैंक पे मिल सकते हैं उसी टाइप आपको रखना है। उसके बाद देखिए सेरेमिक एंड बायोलॉजिकल है, सिविल है, इंटर डिसिप्लिनरी कुछ कोर्सेस होते हैं साइंस में जो कि 5 ईयर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम होता है वो भी आपको मिल सकते हैं, मैकेनिकल है, उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स है 4 ईयर साइंस बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें भी आप ले सकते हो। उसके बाद देखिए IIT गांधीनगर में मटेरियल इंजीनियरिंग आपको मिल सकता है इतने रैंक पे, उसके बाद IIT गोवा है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, उसके बाद IIT इंदौर आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग इतना रैंक होके भी आपको IIT इंदौर में भी लगभग मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस मिल सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर IIT जम्मू में आपको केमिकल, सिविल, मटेरियल एंड मैकेनिकल आपको इजीली मिल जाएगा, IIT जोधपुर बायो इंजीनियरिंग केमिकल एंड स्पेशलाइजेशन, केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन, ए भी 4 ईयर का साइंस कोर्स आप इजीली एनरोल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा अगर आपकी रैंक इतनी ज़्यादा है तो भी। उसके बाद देखिए आपको IIT खड़गपुर में लगभग बहुत सारे कोर्सेस तो होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होते कि इतने ज़्यादा रैंक पे भी आपको मिल जाएगा, तो देखिए आर्किटेक्चर, उसके बाद माइनिंग सेफ्टी इंजीनियरिंग है, उसके बाद देखिए 5 ईयर का एक ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है वही एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग विद एमटेक इन एनी ऑफ द लिस्टेड स्पेशलाइजेशन, तो देखिए ये भी अच्छा है। अप्लाइड जियोलॉजी है, उसके बाद देखिए यहाँ पर IIT मंडी में आप सभी का यहाँ पर जो है साइंस में लगभग 4 ईयर का बैचलर्स कोर्स, उसके बाद देखिए बायो इंजीनियरिंग, BS इन केमिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग है लगभग, इसमें भी आप ले सकते हो। अब देखिए दूसरा IIT देखिए मैकेनिकल और सिविल, इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद
बाद देखिए यहाँ पर IIT पटना में आपको बीटेक इन सी, उसके बाद देखिए बीटेक इन सी में ड्यूल डिग्री प्रोग्राम बहुत सारे हैं, तो आप इसमें भी एक बार देख सकते हो, यह भी आपको इजीली मिल जाएगा इतनी सारी रैंक पे। अब देखिए केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 ईयर कोर्सेस, मेटलर्जिकल है, मटेरियल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। अब देख लेते हैं यहाँ पर टॉप IIT, जैसे कि IIT रुड़की है जिसका लगभग NRF अच्छा है, टॉप 7 में आ जाता है आर्किटेक्चर और केमिकल साइंस, इतनी सारी रैंक पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद IIT रोपर एंड IIT तिरुपति आप देख सकते हो, जो कि मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग सिविल है, इसमें भी सिविल और केमिकल है। तो देखिए लगभग इतना सारा मैंने आपको IIT का पूरा जो डाटा है बताया, साथ में मैंने आपको यहाँ पर टॉप मोस्ट ब्रांचेस जो आपको लगभग 10,000, 20,000, 30,000 रैंक तक मिल जाएंगे, और मोस्टली आपको इस टाइप ही आपका जो लिस्ट है वो तैयार करना है। अब बता देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट है, ठीक है ना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मैं और भी इस टाइप आपको वीडियो दे दूँ और आप सभी को साथ में ऑफिशियल डाटा भी प्रोवाइड कर दूँ। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी भी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर आपको कमेंट करना है कि आप सभी का ड्रीम कॉलेज कौन सा है और आप सभी को यहाँ पर, ठीक है ना, सबसे पहले तो लगभग टॉप 3 ड्रीम IIT कॉलेज विद ब्रांच आप लिख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि आपके रैंक पे आपको कौन सा मिल सकता है, तो आपका रैंक विद कैटेगरी मुझे कमेंट जरूर करेगा। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं, ये सभी डाटा आपको कहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, साथ में मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, टॉप मोस्ट जो IIT है, टॉप 10 IIT है, उसका जो प्रीवियस ईयर डाटा है, यानी कि ब्रांच वाइज आप सभी के कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया था, नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है, साथ में मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ मैंने आपको कहा था टॉप IITs का, आप सभी के कैटेगरी एंड ब्रांच वाइज आप सभी के रैंक वाइज कौन सा IIT आपको मिल सकता है कट ऑफ देखने के लिए, वो कट ऑफ का PDF भी मैं जल्द व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे डालने वाला हूँ, तो लिंक मैंने दे रखी है, ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप सभी का रैंक और आप सभी का ड्रीम IIT विद ब्रांच आपको कमेंट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।